Hello students, today's video is on the sentence. What is sentence? The definition of this thing: a group of meaningful words which makes a complete sense is called a sentence. For example, the Ramayana is a holy book. He is not an intelligent boy. ये meaningful words आपको दे रहा है. Where do you live? Obey your parents. Hurrah, we have won the match. May you pass. Okay. Next, the type of sentence. These are three: simple, compound and complex. First, see what is simple. Simple means जिसमें एक finite verb हो. For example, Amit is playing. सबसे पहले थोड़ा सा मैंने फाइनाइट नॉन फाइनाइट थोड़ा बताया था, लेकिन लेट मी कंप्लीट की व्हाट इज़ फाइनाइट. अ फाइनाइट वर्ब इज़ अ वर्ब दैट हैज़ अ फाइनाइट और लिमिटेड एग्रीमेंट विद दिस सब्जेक्ट. मींस इट लिमिट्स इट्स यूजेस एज पर सब्जेक्ट पैरामीटर. सो अ फाइनाइट वर्ब विल चेंज एज पर टेंस ऑफ द सेंटेंस, एज पर द पर्सन एंड एज पर अ नंबर ऑफ सब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, I play cricket every day. बहुत carefully सुनिएगा. I played cricket every day. तो इसमें जो play है और played है, ये है finite verb. ये as a tense, जैसे पहला वाला जो I play cricket every day मैंने बोला, ये present tense में है, और I played cricket ये past tense में है. तो यहाँ पर जो verb change हुआ, इससे present टाइम और पास्ट टाइम बताया. अब वर्ब चेंज एज पर पर्सन. फॉर एग्जाम्पल, आई रन अ माइल डेली. आई के साथ रन की फर्स्ट फॉर्म, ही रन्स, यहाँ पे ऐसे ईएस लग गया. तो ये है पर्सन के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज हुआ, और ये रन और रन्स ये फाइनाइट है. अब जैसे ब्रदर बनाना है और बनानाज है, ये नंबर के अकॉर्डिंग चेंज हुआ, सिंगुलर और प्लूरल. बनाना है तो इस, बनानाज है तो आर. इस तरीके से ये फाइनाइट वर्ब हुआ. अब नॉन फाइनाइट क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब डोंट हैव एनी एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट. इट डज नॉट चेंज एज पर टेंस, एज पर पर्सन, एज पर नंबर ऑफ द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस. एंड द डिविजन ऑफ द नॉन फाइनाइट वर्ब, जिरन, इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल, जो कि आपने पढ़ा है. अब यहाँ पे देखते हैं सिंपल सेंटेंस में क्या है. सिंपल सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब होती है. फॉर एग्जांपल, अमित इज प्लेइंग, ही विल नॉट टीच इंग्लिश, हैव यू ब्रश्ड योर टीथ, व्हेन डज ही लाइक टू रीड, कैन दे लिफ्ट दिस बॉक्स, ओपन द डोर. एक फाइनाइट वर्ब. अब कंपाउंड सेंटेंस में, इनमें एटलीस्ट टू फाइनाइट वर्ब होते हैं. ओके, और कम से कम दो क्लॉज, एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज. फॉर एग्जांपल, रवि केम एंड गीता वेंट. तो रवि के साथ एक वर्ब और गीता के साथ, और बीच में है एंड. ये क्या है? ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से इन दो क्लॉज को जोड़ा गया है. रवि केम एंड गीता वेंट, दो आपकी क्लॉज, और बट रीमा डिड नॉट गो. तो यहाँ पे एंड और बट, यह दो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यहाँ पे यूज हुआ. नेक्स्ट, रवि केम एंड गीता वेंट, बट रीमा डिड नॉट गो, सो हर फादर बिकेम एंग्री. तो थर्ड सेंटेंस में एंड बट, ध्यान देखिए, रवि केम एंड गीता वेंट बट, तो एंड बट और सो जो है, ये तीन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और इसमें तीन कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है. ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस में एक प्रिंसिपल क्लॉज और इसके साथ एक, एक से अधिक कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज होते हैं. लेट्स सी नेक्स्ट.
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इसमें भी एटलीस्ट टू फाइनाइट वर्ब्स होते हैं और दो क्लॉज, एक प्रिंसिपल और एक सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज होती है। और प्रिंसिपल क्लॉज है वो हमेशा एक होगी और सबॉर्डिनेट एक से अधिक हो सकती है या एक हो सकती है। फॉर एग्जांपल, राकेश हैड गॉन, राहुल केम। अब यहाँ पे दो, देखिए दो फाइनाइट वर्ब हैं और एक प्रिंसिपल क्लॉज, राकेश हैड गॉन बिफोर राहुल केम। इसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज, सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। जैसे नीचे एक्सप्लेन भी किया गया है, इफ कीर्ति कम्स जीरा विल गिव हिम द बुक, इरफान टोल्ड मी दैट ही वॉज राइटिंग अ लेटर। तो ये तीनों जो सेंटेंस है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, क्योंकि इन सभी में एक प्रिंसिपल क्लॉज और कम से कम एक कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। सब ऑर्डिनेटिंग जो क्लॉज है, देखिए उसको यहाँ पे ब्लैक कलर में बोल्ड किया गया है। ओके, तो अब आपको जो आगे पढ़ना है वो है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। ये आपको जानने के लिए था कि टाइप ऑफ सेंटेंसेस ये थ्री हैं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। सिंपल में एक फाइनाइट, कंपाउंड में भी दो फाइनाइट होते हैं लेकिन उसके साथ कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कम से, इसमें भी एटलीस्ट टू फाइनाइट वर्ब होते हैं और दो क्लॉज होते हैं, दो से दो क्लॉज में एक प्रिंसिपल और सबॉर्डिनेट क्लॉज, वो एक हो सकते हैं और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब आपको जो पढ़ना है वो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस है। जैसे देर आर ऑफ फाइव काइंड्स, एसर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑब्जेक्टिव। इट विल बी इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।